हमारा जो एंट्री है वो ताजमहल के एरिया में हो चुका है। अब जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है, इस एरिया को कहा जाता है फोर कोर्ट यार्ड। इस एरिया को फोर कोर्ट यार्ड क्यों कहा जाता है कि ताजमहल के फोर एंट्रेंस गेट हैं, जिसमें से एक मेन एंट्रेंस गेट है ताजमहल, जिस वाले गेट से हमने ताजमहल एंट्री किया है वो ताजमहल का पहला गेट है वेस्टर्न गेट। ओके, वेस्टर्न, यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ द वेस्टर्न गेट, दैट इज सेकंड गेट, ईस्टर्न गेट। ओके, और जो स्मॉल वाला गेट है वो है साउथ गेट। साउथ गेट, दक्षिणी गेट। ये है नॉर्थन गेट, ये मेन एंट्रेंस गेट है ताजमहल। सो ऑल सर, यू हैव एनी आइडियाज, एम्प्रेस शाहजहां हैड हाउ मेनी बैल्स? 14 बैल्स। 100+? यस, 100+, बट रियल वाज 3। सो फर्स्ट वाइफ नेम वाज फतेहपुरी बेगम। फतेहपुरी बेगम, नो फतेहपुर, फतेहपुरी बेगम, बेगम, फर्स्ट वाइफ नेम वाज फतेहपुरी बेगम। सो द फर्स्ट गेट ऑफ द ताजमहल वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ फर्स्ट वाइफ। सेकंड वाइफ नेम वाज सरहिंदी बेगम। बीबी, उर्दू वाइफ। So the second gate was built in the memory of second wife. And the third wife name was Mumtaz Mahal. Yes. So the Taj Mahal was built in the memory of third wife, Mumtaz Mahal. Okay sir? So this is the main entrance gate of the Taj Mahal. This gate which is also known as Royal Gate. It means Sahib Darwaja. Main entrance gate of the Taj Mahal. Yes. And you all sir, you can see top of the gate. There are 22 white dots. 11 dots front and 11 dots back side. Total 22 dots. Total 22? Doms. These domes, to show the Taj Mahal was built in 22 years. Taj Mahal ka jo total time tha wo tha 22 years. Taj Mahal started to build 1631 and completed 1653. So it is took 22 years. Is that clear? Okay. I will explanation all step by step. Okay. Please come.